यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव की तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। लगातार यूक्रेन के हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं, ऐसे में वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों का अपने वतन वापस आने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में बहराइच के रहने वाले रवि भी वापस घर पहुंचे। उन्होंने बहराइच पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। वहीं छात्र के वतन वापस लौटने से परिजनों के चेहरे खिल उठे। सबसे पहली बात तो ऊपर वाले का ये बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सही सलामत अपने घर परिवार के साथ वापस लौटाया। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मदद की हमारी अपने वतन वापस लौटने, अपने घर वालों से मिलने का मौका दिया हमें दोबारा। कहीं ना कहीं उनका एक काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहा जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। वो बात अलग है कि बॉर्डर के उस पार उन्होंने उतना मदद नहीं किया, हमारा एम्बेसी ने क्लियरेंस कुछ हमें नहीं दी, नहीं तो हम पहले ही आ गए होते यहाँ पे। और उस चीज़ का ये गवर्नमेंट की फॉल्ट है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट आफ्टर दैट व्हेन वी क्रॉस द बॉर्डर, अब मतलब जब बॉर्डर क्रॉस किया हमने, उसके बाद में उनकी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रहा। उन्होंने हमें सबसे पहले खाना खिलाया, 3 दिन तक हम बॉर्डर के उस पर बिना खाना खाए थे। खुले आसमान के नीचे बर्फबारी काफ़ी तेज़ हो रही थी और उसमें -10 टेम्परेचर था उस टाइम पे, और हम लोग लाइन लगाए बैग लादे हुए पीठ पे, 10 किलो का बैग था और 3 दिन तक लगातार खड़े थे। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNews.